कैसे दे रहे हो भैया? आम सोना, हाय हाय, हाय, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? ऑल वेल। यू बाइंग मैंगोज? या सो आर यू एन आम लवर एज वेल? यस आई एम, वेरी मच। डू यू लाइक वांट टू मेक अ थिंग आउट ऑफ दिस? बिकॉज़ आई हैव द परफेक्ट आमरस थाली प्लेस इन माइंड, एंड गिवन दैट यू लव आम्बास एंड आमरस टू, या दैट साउंड्स लाइक अ प्लान। डू यू हैव टाइम फॉर लंच? यस, ओके, लेट्स डू दिस। ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ तेरे गली में वी आर हियर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लोअर ओशिवारा विद नन अदर देन द स्टनिंग सोनम बाजवा हियर विद अस। लेट्स गो। ओके, ये मैं आके लेती हूं, आके लेती हूं, ठीक है? परफेक्ट। I wait for summers to come, and one of the reasons is of course mangoes. So amras is something which is very typical of, you know, Western India. Yeah. मतलब Gujarat, Maharashtra. Hmm. So did you try amras for the first time after coming here, or have you? Yeah, I actually tried amras the first time when I came to Bombay, because in North we used to just have aam, aise, yeah, like, you know, after food, before food, or but never had amras. वैसे हमने सुना है कि पंजाबियों का दिल और appetite दोनों ही बहुत बड़ा होता है। मुझे लगता है मेरा appetite बहुत बड़ा है, and you know when I eat and if there are like two girls, two three guys, मैं जितना मेरे जो guy friends हैं वो खाते हैं मैं उतना खाती हूँ। Whoa, okay, so you're gonna love this place because हम जा रहे हैं amras thali खाने। Oh my god, okay, I'm very excited. Let's go to Rasootsa, okay, which is one of the best amras thalis in town. Okay, perfect. चलो। So good, है ना? You know the speciality of this place is इधर सब में आम है mostly, मतलब सब्जी में थोड़ा आम है, कढ़ी में आम है, राइस में आम है, आलू में आम है। The kind of place I need to be at. I remember हम as kids every summer we would go to our farmhouse jahan mere dadi dada chachi chacha everybody used to stay. Where's that? In UP, you know, because my grandfather was a farmer and we had every fruit at home, but you know I would wait ki garmi aayengi aur main aam khane ko milenge. Abhi jab aam nahi pake hote the, I remember ki main kacche aam tod ke usko namak लगा के और मैं खाती थी, एंड सो आई मीन समर का, समर वेकेशन का ये हाईलाइट होता था कि हम फार्म पे जाएंगे और फ्रूट्स खाएंगे और आम खाएंगे बेसिकली। यू वर बॉर्न इन नैनीताल? या एक्चुअली व्हेन आई वाज बॉर्न यूपी एंड उत्तराखंड वाज जस्ट वन स्टेट एट दैट टाइम। पहले मुझे याद है कि माय एंटायर चाइल्डहुड आई नेवर एवर हैड जंक फूड, बिकॉज आई ग्रो अप इन अ विलेज, तो वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जाके आप खा सकते हो। सो आई रिमेंबर गोइंग टू दिल्ली फॉर सम वेकेशन, एंड आई हैव कजन्स इन दिल्ली, एंड दे टुक मी टू यू नो मैकडोनल्ड्स, एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड मैकडोनल्ड्स एंड अ बर्गर, एंड आई वॉज सो एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड, क्योंकि हमारे घर में कभी ब्रेड भी नहीं खाई, यू नो, जस्ट लाइक रेगुलर देसी ब्रेकफास्ट पराठे। ओके, सो व्हेन आई एम शूटिंग इन विलेजेस आई एम द मोस्ट कनेक्टेड टू माई सेल्फ, आई जस्ट एम सो मच एट पीस, एंड आई एम आई फील वेरी हैप्पी टू शूट इन द स्मॉलेस्ट ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, सो आई लाइक गिवन अ चांस आई प्रेफर दैट। बहुत सारी बातें करनी है, बट पहले पेट पूजा हो जाए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू फॉर आस्किंग। मैं सोच रही थी आप मुझे कब पूछोगे खाने के लिए। नाउ नाउ इज द टाइम। थैंक यू। अच्छा, आमरस पूरी खाया पहले कि सिर्फ आमरस? पूरी तो नमकीन होता है और ये मीठा होता है। आई डोंट लाइक टू मिक्स मीठा एंड नमकीन टुगेदर, बट यू गाइस आर हाईली रेकमेंडिंग दिस, सो आई विल ट्राई दैट। यस, यू मस्ट। एंड यू नो आई एम सो ग्लैड यू चोज दिस प्लेस, बिकॉज मुझे देसी खाना, और अगर उसमें देसी घी हो वो मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, लाइक आई एम एक्चुअली सो हैप्पी, एंड यू कैन टेल मैं कितनी खुश हूँ। तो एक चेहरा खिल गया, बताइए सब देखिए आपका। आई विश ऑल इंटरव्यूज गो लाइक दिस, वी वुड ईट
अच्छा वन क्वेश्चन दैट वी आस्क एवरीवन स्पेशली जो हमारे गेस्ट दिल्ली मुंबई सब जगह पे रह चुके हैं. ओके आई नो व्हाट फूड इज बेटर. सी आई ऑनेस्टली आई रियली एंजॉय फूड इवन इन मुंबई. लाइक यहाँ जैसे भेलपुरी तो मुझे दिल्ली में कहीं नहीं मिली. पाव भाजी मुझे कहीं भी नहीं मिली दिल्ली में ऐसी. बट भटूरे दिल्ली में बेटर है एंड आलू टिक्की दिल्ली में बेटर है और गोलगप्पे और पानीपुरी दोनों जगह अच्छी है. लाइक क्योंकि शायद मुझे पानीपुरी इतनी पसंद है गोलगप्पे इतने पसंद है दैट आई कैन एक्चुअली हैव इट एनीवेयर. घर पे क्या क्या बनता था व्हाइल ग्रोइंग अप? सबसे पहले पराठे. आई डिडंट इवन नो देयर इज एनी अदर काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट दैट एग्जिस्ट. हमारे घर में कभी ब्रेड नहीं आई. एंड माई पेरेंट्स आर पंजाबी सो माई मॉम ऑब्वियसली एट दैट टाइम डिडंट नो हाउ टू मेक पोहा. पोहा मैंने फर्स्ट टाइम खाया जब मैं मुंबई में आई हूँ. सो घर पे हर चीज़ का पराठा बनता है. आलू गोभी. गोभी इज माई फेवरेट. गोभी पराठा. हाँ आई लव गोभी पराठा. पपीते का पराठा. दाल पराठा. मटर का पराठा. अगर सीखना हो ना कितने टाइप के पराठे बन सकते हैं तो एक पंजाबी से पूछ है ना. वी आर वी गाइस आर वेरी वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव व्हेन इट्स अबाउट पराठा. जो सब्जी बच जाए बाद में उसकी उसका पराठा बना लो. क्योंकि ना एक तो घी और मक्खन के साथ सब कुछ अच्छा लगता है. सो और द बिगेस्ट डिलेमा इज पराठा चाय के साथ ज्यादा अच्छा लगता है या दही के साथ. आई हैव ऑलवेज बीन कंफ्यूज. तो मैं मिनिमम दो पराठे तो खाती हूँ. आई हैव वन विद दही उसके बाद दूसरा पराठा विद चाय. Because I love chai also. और एक चीज कर सकते हैं सुबह चाय के साथ दोपहर को सेम पराठा खाओ. सेम पराठा. वाओ. बचपन में तो मैं खाती थी. अभी सो आई वाज इन अमेरिका फॉर द एंटरटेनर स्टोर. पहली चीज जो मैंने घर आके आई थिंक आई लैंडेड एट 4 AM. आई रीच्ड होम एट लाइक नो आई लैंडेड एट लाइक 2. रीच्ड होम अराउंड 4 एंड आई स्लेप्ट फॉर 2 hours. आई वोक अप एट 7. I told my cook, I said, please, gobi ke parathe bana. I need to eat gobi ke parathe. Oh, I had parathe, the first thing. So, paratha is like your comfort food. Yeah, I love parathas. By the way, we have something else coming our way. Now, you guys can't blame me if I don't finish everything because it's too much. इतना सब आप बोल रहे हो आप खाते हो जी. बट देन यू हैव मेंटेन्ड योरसेल्फ कंप्लीटली. हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर आपको खाना पसंद है तो फिर आपको वर्कआउट भी करना चाहिए. वैसे भी करना चाहिए बट देन इट्स अ मस्ट. यू स्टार्टेड योर जर्नी आल्सो विद मॉडलिंग फर्स्ट. फेमिना मिस इंडिया 2012 हैपेंड एंड देन यू गॉट इनटू एक्टिंग. या ऑलवेज प्लान्ड टू बी एन एक्टर? नो आई एक्चुअली व्हाइल ग्रोइंग अप आई थॉट दैट my only dream was to be a Miss India. Oh. And uske baad kya hoga ya kya, I had no idea about that. So when I went for Miss India, I of course I didn't win, but just when I came out, I got my first audition call. It was for a Punjabi film, my first Punjabi film. So I had no idea kya kaise kya hota hai. So I thought okay, let me just go. Like audition bhi kaise dete hain mujhe nahi pata tha. So I went. The director explained me. And उनको सुन के मुझे जो भी समझ में आया आई जस्ट डिड इट. एंड आई थिंक विद इन 45 मिनट्स आई केम डाउन. आई सैट इन द कार. बस दे जस्ट लाइक दे कॉल मी. दे सेड यू नो यू आर डन फॉर दिस सो सेंड अस योर पासपोर्ट डिटेल्स. द फिल्म वॉज शॉट इन कैनेडा. सो या दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड यू नो इवन आफ्टर माई फर्स्ट फिल्म आई वॉज नॉट श्योर दैट आई वॉन्ट परस्यू एक्टिंग. इट वॉज ड्यूरिंग माई सेकेंड फिल्म इज वेन आई डिसाइडेड. And I felt like, oh wow, this is what I want to do for the rest of my life, and the rest is history then. But your parents are teachers, right? Yeah. Weren't they apprehensive ki matlab ladki acting mein ja rahi hai? Yeah. And... of course, because my mom and dad, they both thought that I will become a doctor, and my brother will become an engineer. Okay. So my brother actually he's an engineer. He became an engineer, and my parents in the beginning were like, "Aur padhai karo." ये तो हमने कभी सोचा नहीं था. आई एम क्या गारंटी है. एंड यू नो देयर राइट बिकॉज नथिंग इज रियली लाइक यू डोंट नो इफ यू विल मेक इट. लाइक एक जॉब में क्या होता है आपने इंटरव्यू दिया अगर येस हो गया सो यू आर जस्ट वर्किंग देयर.
आपको पता है कि एवरी मंथ योर सैलरी विल कम, यू नो नथिंग इज डेफिनेट हियर. आपको आपने ऑडिशन दिया, आपको काम मिलेगा, या एक फिल्म हो गई उसके बाद दूसरी मिलेगी, और अगर एक फिल्म हुई वो चली नहीं उसके बाद क्या होगा. सो या ऑफ कोर्स बिकॉज योर पेरेंट्स लव यू, दे केयर फॉर यू, सो दे हैड दे वर वरीड इन द बिगिनिंग, बट एट दैट टाइम दे थॉट चलो ठीक है इसका शौक है पंजाबी फिल्म कर रही है, बिकॉज दे ऑल्सो लव द फैक्ट दैट आई एम अ पंजाबी एंड आई एम वर्किंग इन पंजाबी फिल्म. सो दे वर लाइक ओके. And I think at that time they thought that they'll get me married after 2 years. अगर यहाँ पर नहीं कुछ हुआ तो शादी तो वैसे भी कर देंगे. So with that thought they were like okay ठीक है कर लो. And now they are very happy, very proud that I'm working. But when you started off also they supported you. I mean I remember that first call after I came back from Miss India. I was very low and. Obviously they knew I didn't win, so it's not that they asked me kya hua, they already knew. But I remember like my dad sounded a bit upset and he said ab na kaam pe dhyan dena, abhi apni job pe wapas jao, because I had taken 1 month off and I didn't say anything that time. So yeah, you were in air hostess. Yeah, so that time it was really hard, like I felt bad that they didn't even say ki chha beta koi baat nahi होता है ना फोकस ऑन, बट बिकॉज ही वॉज जस्ट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो बिकॉज आई स्पेंट माई एंटायर सेविंग्स यू नो टू पार्टिसिपेट इन मिस इंडिया एंड फॉर ऑल द प्रेप्स, सो ही वॉज वरीड फॉर मी. सो या दैट टाइम इट वॉज अ लिटल डिफिकल्ट. आई फेल्ट लाइक आई विश माई डैड सेड दैट ओके डोंट वरी, बट नाउ या ऑफकोर्स लाइक विद टाइम दिव बिन सो 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 सपोर्टिव. And even right now, like they're my biggest fans and supporters. Every film that comes out, they have to go watch. They'll ask. I mean, who does that? Just your parents, right? कि आपकी एक film cinema में आ गई, वो सबसे पहले देखने जाते हैं. फिर TV पे जितनी बार आ जाए, 500 बार भी आ जाए, but my parents will sit and watch the same film for me. So that's very special, it and is. That your parents can only do for you. True, true. Yeah. Even I've experienced that. Yeah, yeah. Because and especially mothers, yeah, they are very supportive when yes. it comes to all of this, yes. especially unconventional professions yeah. and all. Yeah. But you've done acting, you've done modeling. Yeah. You've done singing. ये झूठी अफवाहें हैं. सच्ची? क्योंकि मेरे सारे co-stars जो हैं, वो singers हैं, वो गाते हैं. जबरदस्ती मुझे भी बोलेंगे आप भी गाओ गाओ, सोनम बहुत बढ़िया गाउंडी है गाओ गाओ. एंड आई एम अ बाथरूम सिंगर, लाइक आई कांट सिंग. बट या एमी हैड सेड वंस दैट लेट्स डू अ सॉन्ग टुगेदर, बट आई वांट टू मे बी डू फर्स्ट मे बी लाइक अ कवर सॉन्ग फॉर सम ऑफ माय फिल्म समडे, बट आई डोंट थिंक दैट आई एम अ सिंगर और आई कैन सिंग. बट यू कैन सिंग. द फैक्ट दैट ही इज आस्क्ड यू कि एक बार करते हैं, वुड यू वांट टू सिंग समथिंग? नो 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 नो. द डे आई सिंग द सॉन्ग फॉर माय फिल्म ना, दैट डे यू विल बी द फर्स्ट वन आई विल सेंड इट. ओके, डन डन. ओके, नाउ आई एम सो फुल. हाउ मच हैव यू? बट आई फिनिश्ड. हां, ओह नॉट बैड. ओह आई हैव अ really nice game for you. Mm. Well, have I already killed it, but thoda aam ka infusion hai usme. Okay, perfect. So, these are the two boards that I have with me. Haan. Ek hai, hum aam aadmi hai. Okay. And the other one is, I'm loving it. Okay, okay, got it. Basically, iska matlab hai na. Na. Iska matlab hai haan. Okay. Ye bahut concentration ke saath khelna padega. Yes. Have you ever lied to get out of a social event? Yeah. Yeah. 90% of the time. What is your go-to excuse to get busy, up? Shooting. Oh, I shoot early morning next day. So yeah, and, okay. And everybody knows I go to bed early, so that also works. Ever eaten a whole pizza by yourself? Yes, yeah. A lot of times. Pretended to like a gift when you actually have it? ये तो बहुत बार होता है. Actually, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई teddy bear दे देता. Like, come on, like. Excuse me. आपने क्या सोची कि टेडी बेयर दिया? I don't like that. Try to speak in an accent. Yeah. Accidentally sent a text to the wrong person. A lot of times. Been caught talking to yourself out loud in public. Nahi. Dance like nobody was watching, but someone was actually watching. When I'm with close friends and you know, then I just you know you let loose, you chill, you enjoy. So I have.
had a crush on a celebrity? Of course, big time. Okay, last question. Do you like this thali? Love this thali. But thank you, actually. I'm so glad you took me to a restaurant like this. I was thinking maybe you'll take me to a place where we'll have salad and pasta. Pasta bhi achha hai, but desi khana hota hai. True. That is so true. Yeah. Okay. But I want to know. Haan. Like, I really want to know the answer to this. Okay. Because aap logo ke saath dildiyan galla karte ho. Oh, okay. But jab aapko dildiyan galla karni hoti hai kisi ke saath. Do you have that person? Do you have that special someone? फ्रेंड्स के साथ फिर है मेरे पास दिल दिया गलना करने के लिए सो या करती हूँ वी ऑल हैव डोंट यू हैव वन नो आई डोंट नहीं फ्रेंड्स तो है ना फ्रेंड्स तो है बट व्हाट आई मीन इज समवन मोर स्पेशल देन अ फ्रेंड मोर स्पेशल फ्रेंड अच्छा आप इतना घुमा फिरा के पूछ रहे हो कि जी हाँ वो बॉयफ्रेंड कितना अच्छा तरीका आपने ढूंढा है ये बड़े प्यार से आपने जो इसको किया है अब हम डायरेक्ट आपके जैसे सारा का सारा सच बाहर नहीं ला सकते उसके लिए पता है कितना आई नो इतना टैलेंट चाहिए कितने गट्स चाहिए टैलेंट तो आप भी बहुत हो उसके लिए बड़े गट्स चाहिए बट एक्चुअली शुभमन वाज वेरी स्वीट सो आई कुड एक्चुअली आस्क दैट टू हिम You are also very sweet. Thank you. Cheers. Wow, yum. Food तो हो गया, but अब एक end हो जाए. Ice cream. चलो. So कोई भी खाने का अंत we have to must with an ice cream. Ice cream मेरा पेट इतना भर गया. और उसको खा के ना इतना गिल्ट फील नहीं होता कि आपने डिजर्ट खाया क्योंकि वो कुछ ग्रीन ग्रीन खाया रहता है ना ऐसा था वो इट्स स्टिल हेल्थी इट्स फाइन भैया आइसक्रीम कौन सी खाओगे मैंगो नहीं है मैंगो मैंगो आइसक्रीम है ना ठीक है सो योर इंस्टाग्राम सजेस्ट कि आप बहुत ट्रैवल करते हो व्हाट इज योर काइंड ऑफ ट्रैवल इफ आई एम फ्री आई हैव गॉन फॉर सोलो ट्रैवल्स एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज आफ्टर अ फिल्म शेड्यूल इज ओवर फॉर एग्जांपल इफ आई एम इन यूके फिल्म्स ओवर I've gone to Scotland on my own, stayed in a place wherever I want to, chill there, relax. I've stayed back in London. So a lot of times I do extend trips like that. And if my friends can't join in, I do travel or stay solo. So because I love spending time with myself alone, so I do that. Which was our one destination that you go to every time, it will go. Italy. What do you love about it? Everything actually. It is so beautiful, especially the smaller villages. They're just like gorgeous. So I love being there. Are you an adventurer as well? I would like to believe that I am. But I haven't done a lot of adventurous stuff yet. But definitely, I want to go for bungee jumping. I want to go for skydiving. I want to go for scuba diving. I really want to do all those things. And also, once I want to go to Leh Ladakh by road. Biking or in a car. But it's in my bucket list. Okay, itni garmi hai, dekho meri ice cream melt ho gayi. But as of now, I think guys, this is it. This is it. But on this episode of Teri Gali Mein, this is Sonam Bajwa with us. We'll be back with more such episodes. Yes. So till then, y'all stay tuned. As of now, we're going to enjoy ice cream. Cheers.